हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच है और ये एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड एनालिसिस के अंदर आता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, हम उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है तो हम उनको टेबल में स्टोर करते जाते हैं और फिर उसके बाद कंबाइन कर देते हैं। तो ये बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर ही फॉलो करता है, बस इसमें प्रॉब्लम जो होती हैं आपकी सेम, सब प्रॉब्लम जो होती हैं वो आपकी सेम स्ट्रक्चर की होती है। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं। यूजली हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है, जैसे कि ए मैट्रिक्स है तो वो पी रोज़ इंटू क्यू कॉलम्स का होगा, तो हमने लिखा है पी क्रॉस क्यू। सिमिलरली एक बी मैट्रिक्स है वो क्यू क्रॉस आर का है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, मतलब प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी से, ए पहले होगा बी बाद में, तो सी आ जाएगा ए इंटू बी, यानी कि सी आई जे पी क्रॉस आर, क्योंकि इसमें जो इसका पहला वाला पी और इसका जो आखिरी वाला आर ऐसे सॉल्व होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में बहुत सारे मैट्रिक्स गिवन होंगे, मान लीजिए ए वन ए टू ए थ्री ए एन तक, हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी होगी जैसा कि इसमें दिख रहा है ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री इंटू ए एन। अब बात आती है कि हम इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए वन को पहले ए टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको ए थ्री से ऐसे करते जाएंगे, या फिर पहले ए टू को ए थ्री से करेंगे फिर जो इसका आंसर आएगा उसको ए वन से कर देंगे, मतलब ए वन को इसके आंसर से। तो देखते हैं कि उसको क्या कैसे करना है, पैरेंथाइज करना है बोलते हैं उसको। तो हमारे पास जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, ए है 5/4 का, बी है 4/3 का और सी है 3x5 का। तो अगर हम ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सी को करते हैं तो देखते हैं हमारी कॉस्ट कितनी आती है। तो ए इंटू बी को पहले करा, यानी 5×4×3 ये लिखा। अब टोटली 5×3 का बन गया ना मैट्रिक्स, क्योंकि ए इंटू बी का 5×3 बन गया। अब इसको जब सी से करेंगे तो 5×3×5 बनेगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 5×4×3 प्लस 5×3×5। तो इसकी जो कॉस्ट आ गई है वो देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद 135 आ गई है। और अगर हमने बी और सी को पहले मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4×3×5 ये लिखा और 4×5×4 वो ये लिखा, और इसको करने के बाद इसकी कॉस्ट 160 आ गई है। तो आप देखिए 135 इससे कम है, तो हम कहेंगे कि जो पहला वाला है यानी कि ये गिव्स लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होती है इसकी, ऑप्टिमल पैरेंथाइजेशन की, मतलब हम ए बी सी को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि ए और बी पहले मल्टीप्लाई हो, तो इसको पैरेंथाइजेशन बोलते हैं। तो इसकी एक ऑप्टिमल अप्रोच है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। तो देखिए वो क्या है, हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा हम उसको बनाएंगे, और मैट्रिक्स बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे दोस्तों। अगर हमारा आई और जे इक्वल होगा, यानी कि जो डायगनल होगा, तो हम उसमें ज़ीरो भर देंगे, और अगर आई और जे कोई भी अदर वैल्यूज़ होंगी जिसमें आई लेस देन इक्वल टू के लेस देन जे होगा, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे एम आई के, और फिर ये के से एक बड़ा k+1, j, एम आई के प्लस एम के k+1, j प्लस पी आई माइनस वन पी के पी जे। अब ये पी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है फोर, ये हमें मैट्रिक्स के वो दे रखा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पी वैल्यूज़ हैं। आपको कैसे भी दे सकते हैं, आपको ऐसे दे सकता है कि एक मैट्रिक्स है 4×10 का, बी है 10×3 का, सी है 3×12 का, डी है 12×20 और ई है 20×7 का। तो इसकी पी वैल्यूज़ आप कैसे निकालोगे, वो ऐसे पी ज़ीरो, सबसे पहले वाली वैल्यू को आप पी ज़ीरो बोलोगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये कहीं नीचे लिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया, हाँ ये रहा, पी ज़ीरो 4 है, पी 1 10 है, पी 2 ऐसे ऐसे पी की वैल्यूज़ लिख देंगे हम। उसके बाद आप देखिए कि हम कैसे फिल करते हैं, हमारे पास वी विल यूज़ द अबव फॉर्मूला फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ होल मैट्रिक्स दैट इज़ वी बिल्ड अप। तो हम एक ऐसे बनाएंगे 1 से लेके 5 तक, क्यों, अब क्यों हमने बताता हूँ क्यों, क्योंकि हमारी जो मैट्रिसेस हैं वो 5 हैं, एक है 4×10, एक है 10×3, दूसरा तीसरा है 3×12, चौथा है 12×20 और पाँचवा 20×7। तो जितने मैट्रिक्स उतना आई और उतना जे, तो 1 से 5 तक ये है, 1 से 5 तक ये। अब हमने बोला था आई और जे जब इक्वल होंगे, यानी 1 इधर 2 2 3 3 4 4 5 5, तो उसमें 0 भर देंगे, हम यही कहा था। नीचे वाली वैल्यू हमने इसलिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को इसलिए क्रॉस कर दिया है क्योंकि आई की वैल्यू जे से हमेशा छोटी होगी, तो इसी अपर ट्रायंगल के अंदर हो सकती है, क्योंकि इस वाले केस में आप देखो आई की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे आई की वैल्यू 4 है लेकिन जे की वैल्यू 3 है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है
वोट आता है मिनिमम ऑफ आई लेस देन इक्वल टू के लेस देन जे, दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट वी फिल दिस अपर मैट्रिक्स ओनली. नाउ अब हमें भरनी है इसकी वैल्यू वन और टू की, यानी एम वन टू की. और पहले हम ना डायगनल वाइज डायगनल जाएंगे, तो पहले हमने जीरो भर दिया इधर, अब इस डायगनल को भरेंगे, फिर इसके ऊपर वाले तीन वैल्यू भरेंगे, फिर इसको ऐसे हमारी अप्रोच रहेगी दोस्तों. ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हम एम वन टू को भरते हैं. तो इसके लिए एक तरीका क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको एम वन टू को बताता हूँ. ऊपर वाला भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिनिमम ऑफ के इक्वल टू वन, क्योंकि आई लेस देन के लेस देन जे, तो वन और टू के बीच में के की सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि आई इक्वल टू के पे है, जो कि है वन. अब आप पूछेंगे के की वैल्यू टू तक क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि देखिए इसमें फॉर्मूला में लिखा था के लेस देन जे, के इक्वल टू जे कहीं नहीं है, इक्वल टू का साइन हमेशा लोअर लिमिट में रहेगा यानी आई की वैल्यू पे. तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा इस हिसाब से, के की जब वन वैल्यू होगी तो होगा एम आई के, आई और के की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, और ये के प्लस वन है और ये जे है, तो इस हिसाब से हम फॉर्मूला में भर देंगे. ये है आई माइनस वन यानी कि ज़ीरो, ये है के और ये है जे. अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं हमारे ऊपर टेबल में गिवन है, टेबल हमारी ये रही, पी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे. और अगर आप फर्स्ट वाला डायगनल आसान तरीके से भरना चाहते हैं तो मेरे पास एक ट्रिक है, तो मैं आपको वो ट्रिक दिखाता हूँ. एम वन टू, एम टू थ्री, एम थ्री फोर, एम फोर फाइव, ऐसा लिख देना. ठीक है, और उसके बाद लिखना पी ज़ीरो से स्टार्ट करना और पहले की तीन वैल्यू लो, पी ज़ीरो, पी वन, पी टू, मल्टीप्लाई कर दो. अगले वाले में पी वन, पी टू, पी थ्री. अब देखो इसमें ज़ीरो नहीं लिया, यहाँ से वन से स्टार्ट करा, इसको टू से, इसको थ्री से, और बस कॉन्जिक्यूटिव थ्री वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर दिया हमने इन ऑर्डर, और हमारे पास वैल्यूज़ आ गई. अब इन वैल्यूज़ को हम किस में भरेंगे, अपनी टेबल में. देखिए हमने इस टेबल में भर दिया 120, 360, 720, 1680. अब हमें भरनी है 13 की वैल्यू. अब 13 की वैल्यू कैसे भरेंगे, देखो मैंने इसमें लिखा है, तो वही फॉर्मूला सेम रहेगा यार हमारा, एम आई के एम के प्लस वन जे पी आई माइनस वन पी जे पी के. इसमें आई जा रहा है 1 से लेके 3 तक, 1.3 निकाल रहे हैं, तो 1 से लेके 3 तक के की वैल्यू 1 आएगी पहले, फिर 2 आएगी, 3 नहीं आ सकती दोस्तों, क्योंकि के लेस देन 3 है, इक्वल टू नहीं है. तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. तो दो वैल्यूज़ भरोगे, अब इसकी वैल्यूज़ आप भर देना जैसे कि मैंने भरा है एम वन वन टेबल में से. देखो बस 1, 1 पे 0, ठीक, 2, 3, 2, 3 पे 360, ओके वेरी गुड. पी ज़ीरो, पी वन, पी थ्री, जिसकी मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी 480. इसको कंप्यूट करोगे 840, ऐसे ही नीचे वाला इसको कंप्यूट कर लेना टेबल में से देख के, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 264. अब हमें क्या करना है दोस्तों, मिनिमम का मतलब क्या है, हमें ऐसी वैल्यू उठानी है जो लो है, सबसे कम है, तो इन दोनों में 264 कम है, और इसकी के वैल्यू साथ साथ ही हम टेबल में अपडेट करेंगे. देखो मैंने लिखा है 264 व्हेन के इज़ इक्वल टू 2. ये चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेंथाइजेशन करने में. तो अब ऐसे ही मैंने एक आपको सॉल्व करके दिखा दिया 13. अब आपका काम है दोस्तों कि आप 2, 4, 3, 5 को खुद सॉल्व करोगे. ठीक है, सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन मैं आपको वैल्यूज़ दिखा देता हूँ इसकी. 264 आएगा ऐसे, यहाँ 1320 आएगा, यहाँ 1140 आएगा. अब हमें भरनी है ये वाली, ये तीन वैल्यूज़ भरनी है. पहले हम इस डायगनल को भरेंगे, M14 निकालेंगे और M25 निकालेंगे, फिर निकालेंगे M15. पहले हम इन दोनों को निकाल लेते हैं. तो चलो दोस्तों मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है, करना आपको बेटा सॉल्व खुद ही है. तो देखो M14 इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 से लेके 4 तक जाएगी के की वैल्यू. ठीक है दोस्तों, पहले लिखोगे आई के के प्लस वन जे एम ऑफ, मतलब समझ रहे हो यार, इतना तो समझ ही जाते हो तुम. फिर यहाँ लिखना पी आई माइनस वन पी जे पी के. अब ऐसे ही ये सारे वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी, इसमें से इन तीनों में से जो मिनिमम आएगी आप अपने ग्राफ में यानी कि अपने मैट्रिक्स के अंदर उस के वैल्यू को लिख देना उसके साथ. ऐसे ही आप M25 निकाल लेना दोस्तों, M25 भी निकालोगे, 2 से लेके 5 तक जाएगी के की वैल्यू. एम आई जे आई के के प्लस वन जे ये पी आई माइनस वन पी जे पी पी के पी जे. ठीक, ऐसे ये तीनों निकाल देना. अब आता है हमारा लास्ट जो कि सबसे ऊपर वाला था, ये वाला यानी कि M15. उसको कैसे भरेंगे, आई की वैल्यू 1, के कहाँ तक जाएगा, आई से लेकर जे तक, जिसमें लोअर लिमिट रहेगी आई की. तो इसकी चार वैल्यू बनेंगी, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, के को 5 नहीं ले सकते, पहले भी बताया था क्यों नहीं. 1, 2, 3, 4 तक जाएगी के की वैल्यू, क्योंकि वैल्यू लाइक करती है आई से लेकर जे तक, लोअर बाउंड रहेगा आई का, अपर लिमिट के अंदर है, उसको इंक्लूड नहीं करेगा. तो यहाँ आई, यहाँ के, यहाँ के प्लस वन, यहाँ जे, या आई माइनस वन, यहाँ के, यहाँ पे जे, ऐसे यहाँ पे भर देना. इन चारों में से जो मिनिमम उसकी के वैल्यू आप टेबल में लिखना.
बस वही सब है। तो फाइंड द वैल्यूज एंड सेलेक्ट द मिनिमम एंड अपडेट द रिस्पेक्टिव के वैल्यू इन द टेबल। तो देखिए मैंने आपके लिए टेबल तैयार करके रखी दोस्तों, ये आपकी टेबल बन जाएगी। इसमें देखिए मैंने सबके लिए के वैल्यू लिखी है यहाँ पे, ठीक। अब हमें ये टेबल से हम इस्तेमाल करके हम अपनी पैरेंथाइजेशन करेंगे। हमारी टेबल हो चुकी है कंप्लीट, मेन गोल कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये क्वेश्चन जनरली लेंदी होता है क्योंकि इसकी वैल्यू कंप्यूट करने में कैलकुलेटर में बहुत टाइम लग जाता है। तरीका वही है, एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, एम आई जे इज इक्वल टू एम आई के प्लस एम के प्लस वन जे प्लस पी आई माइनस वन पी जे पी के पी जे। यही फॉर्मूला आपका यूज़ रहेगा, उसका मिनिमम वाला आप लिख दोगे। अब हमें पैरेंथाइजेशन करनी है तो हम देखिए क्या लिखेंगे, अपने मैट्रिक्स को ऐसे लिख दो। अब हमें पता नहीं ब्रैकेट किधर लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है, किधर लगाना है। तो हमारा 1 से लेके 5 तक जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही। तो सी द के वैल्यू ऑफ एम वन फाइव, एम वन फाइव इधर है 1 5, के वैल्यू है 2। यानी कि दोस्तों एम की 2 वैल्यू आई है के की। तो अब हम अपने मैट्रिक्स को शुरू के 2 वाले को अलग कर देंगे क्योंकि इस 2 से हम अपना ब्रैकेट लगाना शुरू करेंगे। तो ए वन ए टू अलग हो गया दोस्तों, ए थ्री ए फोर ए फाइव, मतलब सबसे पहले ए वन और ए टू मल्टीप्लाई होगा एक ऑर्डर में। अब हमें इसके अंदर की इंटरनल ब्रैकेट फाइंड करना है पैरेंथाइजेशन, तो कैसे करेंगे, 3 से लेके 5 तक की वैल्यू ढूंढो। तो एम थ्री फाइव ढूंढोगे, एम थ्री फाइव है आपका 1140 4 पे, के की 4 वैल्यू पे। तो अब देखो के की 4 वैल्यू पे आया, तो अब हम 3 से लेके 5 को 3 और 4 में डिवाइड करेंगे। तो ऐसा ही हमारी पैरेंथाइजेशन आ जाएगी, दिस इज़ द ऑप्टिमल पैरेंथाइजेशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब हम अपनी कॉस्ट निकाल देंगे। कॉस्ट निकालने का तरीका है 4 × 10 × 3, मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए वन ए टू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 1 और 2 की मैट्रिक्स के ऊपर से कॉस्ट देख लेना, खुद से कर लेना है तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर 3 × 4 के कर लेना, फिर उसको 3 × 5 की करना, और फिर आखिरी में 1 2 और 3 5 को मल्टीप्लाई कर देना। तो उसके बाद आपका कॉस्ट आ जाएगी 2140, और फिर ये हो जाएगा सॉल्व। थैंक यू दोस्तों।